आज हम प्रोजेक्टर पर मूवी देखने वाले हैं, इसलिए हमारे लिविंग रूम में ही हम थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं। तो थोड़ा जो सोफ़ा है वो शिफ्ट करेंगे। जो आप पेंटिंग देख रहे हैं उस वाली वॉल पर हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं वहाँ पर येलो कलर की पेंटिंग है, हम वो हटाकर वहाँ पर प्रोजेक्टर यूज़ करने वाले हैं, मतलब वहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे मूवी। हमारे घर में मैक्सिमम जो वॉल्स हैं वो सफ़ेद रंग की ही है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट करने के लिए अलग से स्क्रीन्स भी मिलती है। स्क्रीन्स यानी रोल्स होते हैं बड़े बड़े, आप उन्हें दीवार पर टांग सकते हैं। और ये देखिए राहिनी की मस्ती अपनी अपनी शुरू हो गई है। लिविंग रूम को और मूवी रेडी करने के लिए सारे पर्दे भी हम बंद कर रहे हैं ताकि बाहर की जो लाइट है बिल्कुल भी अंदर आ ना सके। हमने हमारा सोफ़ा भी शिफ्ट कर दिया है, पेंटिंग हटा दी है और सारे जो पर्दे हैं ये बंद कर दिए ताकि बाहर की लाइट अंदर ना आ सके। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोजेक्टर जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। ये अगारो का AG60S मॉडल। इस प्रोजेक्टर को मैक्सिमम 150 इंच की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। यूज़ करने से पहले इसका जो ये लिड है जो लेंस के ऊपर है इसे निकालना होता है। ये जो आप दो रिंग्स देख रहे हैं इसमें से एक है फोकस वाली और एक है टिल्ट वाली। तो फोकस वाली से जो भी आपकी इमेज है, जो भी आपका वीडियो है, उसे आप क्लियर कर सकते हैं एडजस्ट करके, और दूसरी वाली से एंगल सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये पावर, नेविगेशन, बैक, ये सारे ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा ये सारे ऑप्शन रिमोट पर भी अवेलेबल हैं। इसकी बैक साइड पर पावर केबल कनेक्टर, USB पोर्ट और HDMI पोर्ट है। नीचे है स्पीकर और दूसरी साइड पर भी आप देख सकते हैं कि माइक और हेडफोन्स के लिए जैक दिया गया है, HDMI पोर्ट है और साथ ही में कनेक्टर है जिससे आप इसे मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में इसमें SD कार्ड का स्लॉट भी है। इस प्रोजेक्टर को आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 1GB का रैम एंड 8GB की इंटरनल मेमोरी। और इस साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर केवल वेंट है। साथ ही में इसके आता है रिमोट, जो सारे फंक्शंस आपने प्रोजेक्टर के ऊपर देखे वो इस पर भी है, इसके अलावा एडिशनल भी है। और ये है इसकी पावर केबल। इसके साथ ही में एक्सटर्नल साउंड केबल, ऑडियो वीडियो केबल भी आती है। इस प्रोजेक्टर का नेटिव रेजोल्यूशन 720 पिक्सल है और मैक्सिमम 1080 पिक्सल है। ये 4K सपोर्ट नहीं करता है, 4K वाला अलग मॉडल है, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। उसकी प्राइस इस वाले प्रोजेक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा है। इस प्रोजेक्टर के लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में चेक कर सकते हैं। जगह के हिसाब से हमने थोड़ा सा यहाँ पर जुगाड़ किया है। पीछे रखी है CD और दो बक्से और उसके ऊपर है हमारा ये प्रोजेक्टर। इसे हमने स्पीकर से भी कनेक्ट किया है क्योंकि हमारे रिक्लाइनर सोफ़ा है, अगर उसे खोल देंगे तो फिर दीवार और सोफे के बीच में बहुत कम जगह बचेगी। इसलिए जैसे थिएटर्स में होता है ना कि सीट के पीछे से मूवी प्रोजेक्ट हो रही होती है, वैसे ही बिल्कुल फीलिंग आने वाली है हमें। और हमारा जो लिविंग रूम है एकदम अब मूवी रेडी हो चुका है। बट हाँ, मूवी का सब सेटअप हो गया है, प्रोजेक्टर है, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन साथ में कुछ स्नैक भी होने चाहिए, राइट? इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। तो ये है छोटे छोटे आलू के कटलेट्स या फिर आलू की टिक्की। मूवी के साथ साथ पॉपकॉर्न का भी अपना अलग मज़ा है। तीन बड़ी कटोरियाँ हैं, मेरी, अभिजीत की और आई की, और छोटी वाली राहिन्ने की है। घर पे पॉपकॉर्न बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत कम रेट में बनते हैं। मैंने जो एकदम किराना शॉप से नॉर्मल वाला पैकेट होता है ना, वो वाला ख़रीदा है। तो हमारे स्नैक भी रेडी है, छोटी छोटी क्यूट से आलू की टिक्की और साथ में पॉपकॉर्न। और राहिन्या भी रेडी है, कितनी देर देखेगा, कितनी देर रहेगा हमारे साथ जगा हुआ पता नहीं। मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि दीवार पर ये जो प्रोजेक्टर है किस तरह से प्रोजेक्ट करता है वीडियोस को। एक्चुअल मूवी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मूवी की क्लिप्स या फिर कुछ भी दिखा दिया तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है। इसलिए स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये है हमारा ही गोवा वाला व्लॉग। ये स्क्रीन कितनी बड़ी नजर आ रही है इस बात का आपको अंदाजा लगे इसलिए मैं सामने खड़े होकर आपको दिखा रही हूँ। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्क्रीन काफ़ी बड़ी पीछे प्रोजेक्ट हो रही है और ये बहुत ही अमेजिंग है घर के अंदर स्नैक्स के साथ मूवी का मज़ा। ट्रिप अलोंग विद अभिजीत एंड राहिन्या, वी आल्सो हैड माय डियर भाभी एंड माय डॉटर प्रिशा। आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट वी हैड फन इन दिस वीडियो। वेट अ बिट फॉर बटेगा। देन वी रीच्ड साउथ गोवा एंड दिस वाज आवर नेक्स्ट डे। इट वाज क्लब मेंटर रिसोर्ट। These people took a lot of time for check-in, so after waiting for a long period, we decided.
और एक ज़रूरी बात जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर से रिलेटेड नहीं है, अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो या तो आपके पास आपके कार्ड या हार्ड डिस्क में वो मूवी होनी चाहिए, या फिर अगर आप डायरेक्टली OTT प्लेटफॉर्म से प्ले करना चाहते हैं तो जो आपका प्लान है, जो आपने खरीदा है, वो उस हिसाब से होना चाहिए कि आप उन मूवीज़ को एक्सटर्नल सोर्स पर प्रोजेक्ट कर सकें। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारी मूवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।